राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में गुड गवर्नेंस और सरकार के मंत्रियों की मुस्तैदी के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इन मंत्रियों की मुस्तैदी कैसी है इसका अंदाजा लगता है पर्यटन राज्य मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा से बात करके। कृष्णेंद्र कौर दीपा को ना तो ये पता है कि विभाग के मुताबिक प्रदेश में कितने सैलानी आए, ना ही उन्हें इस बात का अंदाजा कि RTDC घाटे में क्यों जा रही है। प्रदेश की सुध लेने का दावा करने वाली सरकार के मंत्री अपने विभाग से ही बेखबर हैं। राजस्थान में पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का फोकस है, लेकिन पर्यटन मंत्री का इससे सरोकार कम ही दिखता है। टूरिज्म विभाग के आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश में विदेशी सैलानियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कृष्णेंद्र कौर दीपा का दावा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन जब उनसे विभाग की योजनाओं के बारे में पूछा जाता है तब भी उनका जवाब यही आता है कि वे इसके बारे में बाद में बताएंगी, क्योंकि हाल ही में विभाग के अधिकारी बदले हैं। इतना ही नहीं, जब मंत्री से RTDC के घाटे पर पूछा गया तो वे कहती हैं कि RTDC के कई कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजा भी गया है, लेकिन फिर भी RTDC घाटे में क्यों जा रहा है इस बारे में उन्हें पता नहीं। हालांकि उन्होंने इसे दिखवाने की बात कही, लेकिन इस आश्वासन का भविष्य तो खुद पर्यटन मंत्री भी नहीं जानती। नहीं, ऐसा है, जो विभाग के आंकड़े मैंने चेक नहीं किए जी, पर मेरे को लगता है कि हमारे विदेशी और देसी टूरिज्म भरा हुआ है। अब इस चीज़ के लिए तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं अभी, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और MD भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इनसे बैठ के हम डिस्कशन करके जो हम बढ़ावा देंगे, हम टूरिज्म को अच्छा बढ़ावा देंगे। अपने विभाग के बारे में इन मंत्रियों की जानकारी देखकर कई लोग हैरान हैं। BJP दफ्तर में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। लोग इस बात से भी हैरान थे कि आखिर ये लोग ही उस सरकार का चेहरा है जो सरकार गुड गवर्नेंस का दावा कर रही है। नागौर के नावा में एक मासूम बच्ची का मेडिकल कराने के लिए पुलिस को 3 अस्पतालों का चक्कर काटना पड़ा। सरकारी महकमों में आपसी तालमेल की कमी के चलते मासूम को भीषण गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ी। 4 साल की मासूम बच्ची से पहले दुष्कर्म की कोशिश की गई और फिर मेडिकल के लिए उसे दर दर भटकना पड़ा। पहले इंसानी फितरत का शिकार हुई ये बच्ची, बाद में सिस्टम की लचरता का। चिलचिलाती धूप में नवा पुलिस मासूम को लेकर कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल में चक्कर लगाती रही। आखिरकार तीसरी जगह जाकर मासूम का मेडिकल हो सका। सरकारी महकमों में तालमेल की कमी और लापरवाही के शिकार नवा थाने के अधिकारी भी इससे नाखुश हैं। 4 साल के मासूम के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की थी, जिसके बाद उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उदयपुर में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस और अपराधियों के बीच साठगांठ का ऑडियो जी मीडिया पर दिखाए जाने के बाद उदयपुर से लेकर जयपुर तक की पुलिस हरकत में आई है। एक और जहां DGP ने इस पूरे मामले की जांच ACB से कराने की बात कही है, तो वहीं उदयपुर पुलिस ने ऐसे तो जितेंद्र आच लिया और ऐसे ही रामलाल को सस्पेंड कर दिया है। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस की अपराधियों के साथ साठगांठ का खुलासा जी मीडिया पर होने के बाद प्रदेश स्तर पर पुलिस हरकत में आई है। इस मामले में उदयपुर SP RP गोयल की सिफारिश पर IG उदयपुर रेंज ने सूरजपोल थाना SHO जितेंद्र आच लिया और ASI रामलाल गुजर को सस्पेंड कर दिया। दरअसल धोखाधड़ी के एक मामले में सूरजपोल थाने के ASI आरोपी पक्ष से फोन पर बातचीत कर मामले का सुलटारा कराने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। ASI रामलाल आरोपी पक्ष से 1.25 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। इस बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ और उस ऑडियो में ऐसे तो जितेंद्र आचलिया का भी रुपयों को लेन देन को लेकर जिक्र किया गया। इस ऑडियो के मारपाट अपराधियों और पुलिस की गठजोड़ को जी मीडिया पर दिखाए जाने के बाद DGP मनोज भट्ट ने जहां मामले की जांच ACB से कराने के निर्देश दिए, वहीं उदयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अपराधियों के साथ पुलिस की साठगांठ का ऑडियो सामने आने के बाद इस पूरे प्रकरण की जांच ASP चंद्रशील ठाकुर को दी गई है। चंद्रशील ठाकुर इस पूरे प्रकरण में 3 से 4 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज विपक्ष ने जल स्वावलंबन योजना को लेकर जमकर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना था कि जिन इलाकों में जल स्रोतों का पुनर्निर्माण किया जाना था वे इलाके अब भी बेहद खराब है। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज जल स्वावलंबन योजना को लेकर विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए। जिला परिषद
सदस्य मोहन डागर ने तो यहां तक कह डाला कि हर संडे फोटो खिंचवाने के लिए फील्ड में उतर आते हैं। विपक्ष ने बड़ा सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सभा में पेश की गई रिपोर्ट भी गलत है। वहीं दूदू प्रधान संतोष कड़वा ने तो यहां तक कह डाला कि पैसे लेकर ग्राम पंचायत को ODF घोषित किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर जिला परिषद में काफी देर तक बहस हुई। इसके अलावा सरपंचों और प्रधानों ने स्वच्छता अभियान को लेकर भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि टॉयलेट्स के पैसे समय पर नहीं आते। इसके बाद जिला परिषद CEO ने आदेश देते हुए कहा है कि यदि कोई काम नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिला परिषद की सभा में सड़क और पानी का मुद्दा भी काफी गरमाया। वो एक्शन में क्या है, वहाँ एक दफ्तर बनाया है बस्सी में कोई गांव, तो वहाँ वो बैठ नहीं, आवश्यक सुविधाएं नहीं, अभी हमने इंस्ट्रक्शन कर दिया है कि वो तुरंत बैठना शुरू कर दे और धीरे धीरे जो भी सुविधाएं आवश्यक सुविधाएं घर बैठ। पानी बिजली सड़क और स्वच्छता को लेकर भी आज जिला परिषद सभागार में जमकर बहस हुई। जिला परिषद सदस्यों का कहना था कि कई इलाकों में अब तक टॉयलेट्स भी नहीं बन पाए हैं, जिसके कारण जनता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान रोडवेज का तुगलकी फरमान, अब वर्दी नहीं पहनने पर लगेगा कर्मचारियों पर जुर्माना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, करीब 10 साल पहले की रेट में कैसे खरीदेंगे कर्मचारी नई वर्दी। रोडवेज कर्मचारियों में चालक परिचालक, टेक्निकल स्टाफ, TI, ATI, सुरक्षा प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। लेकिन रोडवेज के इस आदेश को कर्मचारियों ने दबी आवाज में ही सही लेकिन तुगलकी फरमान करार दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जितना पैसा रोडवेज वर्दी के लिए देता है उसमें तो पैंट या शर्ट की सिलाई भी संभव नहीं है, कपड़ा खरीदना तो दूर की बात है। वहीं इसी पैसे में रोडवेज कर्मचारियों को जूते की भी खरीद करनी होती है। इस मामले में रोडवेज यूनियन का कहना है कि इस तरह का आदेश बिल्कुल गलत है। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के मुख्य संगठन सचिव हरगोविंद शर्मा ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि रोडवेज के सभी कर्मचारी वर्दी पहने, और अमूमन कर्मचारी ऐसा करते भी हैं, लेकिन जुर्माने का प्रावधान सरासर गलत है क्योंकि रोडवेज में सबसे ज्यादा फील्ड स्टाफ है जिसमें चालक परिचालक की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में जितने पैसे रोडवेज वर्दी की देता है उसमें अगर वर्दी बना भी ली जाए तो वह केवल एक ही बन सकती है जिसे हर समय पहनना संभव नहीं है। लेकिन रोडवेज अधिकारियों का इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर वर्दी का भत्ता कम है तो उसे बढ़ाने की बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल रोडवेज कर्मचारियों को वर्दी पहननी होगी वरना उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इतना पैसा तो दे जो कानून बाध्यता है निगम के ऊपर कि वो ड्राइवर कंडक्टर को हमारे स्टाफ को यूनिफॉर्म दे, वो यूनिफॉर्म तो पूरी दे, या तो वो कपड़ा ला के दे दे हमें, वो टेलर बता दे, वहाँ हम सिला लेंगे। अमाउंट में लगभग एक ड्रेस तैयार हो रही है, और फिर भी अगर कहीं रिवाइज की ज़रूरत है तो वो जो भी अधिकृत हैं उनको अवगत करा के और अमाउंट को रिवाइज करवाना होगा, वो करवाने की कार्रवाई करेंगे। आदेश जारी करने से पहले रोडवेज अगर इसकी धरातल पर स्थिति को जान लेता तो शायद कर्मचारियों में असंतोष पैदा ही नहीं होता। एकलपट्टा मामले में RAS ओकरमल सैनी ने ACB मुख्यालय पहुंच कर किया ACB के सामने सरेंडर। एकलपट्टा प्रकरण मामले में आरोपी चल रहे RAS ओकरमल सैनी ने जयपुर स्थित ACB मुख्यालय पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सैनी के खिलाफ ACB ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया हुआ था। एकलपट्टा के समय RAS ओकरमल सैनी ने JDA जॉन 10 में उपायुक्त होने के दौरान पट्टा जारी किए थे। कार्मिक विभाग ने भी सारे साक्ष्यों की पड़ताल करने के बाद सैनी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। एकलपट्टा प्रकरण मामले में पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की भूमिका को लेकर ACB पूछताछ कर चुकी है। ACB ने निष्काम दिवाकर को 6 अक्टूबर 2015 को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में पूर्व IAS GS संधु ने सरेंडर कर चुका है। पट्टा प्रकरण के अंदर हमारे पिछले कई दिनों से तफ्तीश जारी थी, और तफ्तीश के बाद में श्री GS संधु है उन्होंने भी सरेंडर किया था, और सरेंडर के बाद में हमने पिछले 3 दिनों से उनसे पूछताछ की है। सैनी के ACB मुख्यालय में सरेंडर होने के बाद ACB की पूरे दिन पूछताछ चली है। कल कोर्ट में पेशी के बाद एक बार फिर से सैनी से ACB पूछताछ करेगा। जयपुर नगर निगम एक बार फिर भ्रष्टाचार को शह देता नजर आ रहा है। जयपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में एक बार फिर से ड्रीम कंस्ट्रक्शंस जो फर्म अस्थाई सफाई कर्मचारी मुहैया कराती है उसका टेंडर एक्सटेंड करने की बात आ रही है। ये वही फर्म है जो लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाई गई है, ACB में भी जिसके खिलाफ मामला चल रहा है।
जयपुर नगर निगम में सफाई के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठेकेदार फर्म ड्रीम कंस्ट्रक्शंस का ठेका नगर निगम एक बार फिर से बढ़ाने जा रहा है। एक्सटेंशन के नाम पर नगर निगम ठेका कंपनी को 3 माह कार्य के नाम पर 15 करोड़ रुपए देगा। इससे पहले भी निगम 3 बार समय अवधि बढ़ा चुका है। साधारण सभा की बैठक में सफाई ठेकेदार मेसर्स ड्रीम कंस्ट्रक्शंस कंपनी की समय अवधि 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक करने, पूर्व में साधारण सभा द्वारा फर्म की बढ़ाई गई समय अवधि दिसंबर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक की करीब 10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति देने और फरवरी 2016 से 30 अप्रैल तक प्रतिमाह होने वाली व्यय 5 करोड़ के हिसाब से 15 करोड़ यानी कुल 25 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव रखा है। साधारण सभा की बैठक में कुल 5 प्रस्ताव रखे गए हैं। इस कंपनी को वापस से प्रस्ताव बढ़ाने को लेकर लेके आए हैं, जबकि ये बहुत गलत है। अस्थायी कर्मचारियों को भुगतान न करने की वजह से आज उनको अहित हो रहा है और महापौर और ठेका खुद ठेका जो कर्मचारी हैं ठेका जो ठेकेदार है वो खुद इस फर्म का इस देख रहे हैं, इसलिए लगता है कि इससे पहले हुए ऑडियो घोटाले में भी ये सामने आया था कि मेसर्स ड्रीम कंस्ट्रक्शन लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। कोटा में कोचिंग छात्रों की गैंगवार और एक छात्र की हत्या के बाद कोचिंग संस्थानों के इलाकों में रहने वाले लोग हैं डरे और सहमे। ऐसे में इलाके के लोगों ने बनाए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जोड़ा है पुलिस को ताकि किसी भी घटना की सूचना तुरंत प्रभाव से पहुंचे पुलिस के पास। छात्र या छात्रों के भेष में गैंग चला रहे बदमाश, छात्रों के हाथों में किताबें होती हैं, उनके हाथों में हथियार थे, डंडे थे, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला, खूनी संघर्ष, मारते मारते जान तक ले ली। ये सारा मंजर जिसने भी देखा स्तब्ध था, तो इस घटना को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिन्हें वो छात्र समझते थे उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो गैंग में शामिल हैं, बदमाश हैं। ऐसे में शहर के वो इलाके जिनमें कोचिंग छात्र रहते हैं, इस घटना के बाद उन इलाके के लोगों में भी दहशत हो गई है कि फिर से ऐसी कोई घटना ना हो जाए। इसके लिए डरे सहमे लोगों ने अपने अपने इलाकों से जुड़े जागरूक लोगों को ग्रुप में जोड़ा है, जोड़कर इलाके के थानों के नंबर को ग्रुप में जोड़ा है ताकि इलाके में किसी भी घटना की सूचना तुरंत उस ग्रुप में डाली जा सके और तुरंत सब इकट्ठा हो, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। इस घटना ने लोगों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि जो भी घटना घटी एजुकेशन सिटी कोटा के लिहाज से अच्छी नहीं रही। जिस तरह से इस घटना के बाद छात्रों के गैंग निकल कर के आए, तो इलाके के लोगों में डर भी पैदा होना लाजमी है। टोंक की मालपुरा नगर पालिका में पार्षदों की खरीद फरोख्त का मामला आया सामने। निर्वाचित पार्षद परिवार और सहयोगी रुपयों के बंटवारे को लेकर झगड़े सड़क पर, जमकर चले दोनों पक्षों में लात घुसे। पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला। दरअसल मालपुरा निवासी उत्तम चंद जैन रविवार को चुनावी खर्चे का हिसाब किताब करने पालिका के वार्ड 9 से पार्षद चैनतारा के घर पहुंचे, जहां पार्षद पति कमल कुमार जैन के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते विवाद बंद कमरे से निकलकर सड़क पर आ गया। फिर क्या था, तमाशबीनों का मजमा जम गया और दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। झगड़े में एक तरफ से पार्षद का पूरा परिवार था तो दूसरी तरफ उत्तम चंद जैन और चंद साथी। इधर उत्तम चंद जैन ने पार्षद चैनतारा को जिताने में 10 लाख रुपए खर्च बताकर वापस राशि लौटाने की मांग कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पार्षद पति कमल ने उल्टे उत्तम चंद पर विपक्षी पार्टी से ऊंचे दामों पर सौदा कर वोट डलवाया, लेकिन राशि बीच में ही हजम कर गया। अल्पमत में आने वाली भाजपा पार्टी के सत्ता पर काबिज होने का भी सच सामने आ गया। आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव में मालपुरा में भाजपा को 11, कांग्रेस को 12 और 2 निर्दलीय पार्षद विजय हुए थे, लेकिन खरीद फरोख्त कर भाजपा ने अपना बोर्ड 15 मतों से बनाया था। तब भी खरीद फरोख्त के जमकर आरोप लगे थे, लेकिन ना तो निर्वाचन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई की, ना ही सरकार ने कोई पहल की। दिया नहीं इसने और अभी किसी को भेजा तो बोला कि तूने मेरे पैसे खाए, मैंने बोला कैसे खाए, वापस भी वैसे जवाब दो। बंद कमरे में हुई वोटों की खरीद फरोख्त सड़क पर आने के बाद भाजपा नेता मुंह छिपाए फिर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकारी भी कार्रवाई के नाम पर बगले झांक रहे हैं। जयपुर का वार्ड नंबर 66 सुरक्षा के लिहाज से दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है।
इलाके के जनप्रतिनिधि की माने तो इस इलाके में करीब 3000 से ज़्यादा ऐसे किराएदार रहते हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। राजधानी जयपुर में 91 वार्ड में से एक वार्ड ऐसा है जो सुरक्षा के लिहाज से शहर के लिए खतरा बनता जा रहा है। जी हाँ, वार्ड नंबर 66। ये वो वार्ड है जहाँ करीब 3000 अज्ञात लोगों के रहने की बात सामने आई है। वहीं जब किराएदारों को रखने वाले घरों का जायजा लिया गया तो पता चला कि यहाँ रहने वाले कई लोग शराब पार्टियां करते रहते हैं, जिसके चलते महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय पार्षद ने मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को मामले में पत्र लिखा है। इलाके के रामगंज थाने में आज से करीब 5 साल पहले लूट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन आरोपी आज भी पुलिस गिरफ्त से काफी दूर हैं। राजस्थान की भीलवाड़ा में बीटेक की पढ़ाई कर रहे 3 स्टूडेंट ने अपने कड़ी मेहनत से ब्रेन से गाइड होने वाली व्हीलचेयर तैयार की है। ये व्हीलचेयर दिव्यांगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। भीलवाड़ा में पढ़ने वाले दिल्ली के दीपेश कुमार मिश्रा, सवाई माधोपुर की सुरभि शर्मा, भीलवाड़ा की ही सेजल जैन ने सच्ची लगन से एक व्हीलचेयर तैयार की है जो ब्रेन से कनेक्ट होकर काम करेगी। यानी जो शख्स इस पर बैठा होगा वो इस व्हीलचेयर को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर 2 महीने तक काम करने से पहले तीनों होनहार स्टूडेंट ने करीब 6 माह तक रिसर्च की। भीलवाड़ा के MLVT कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी स्टूडेंट्स की कोशिशों की सराहना की। इस व्हीलचेयर को तैयार करने में लैपटॉप के अलावा करीब 40 से 50 हज़ार रुपए का खर्च आया। कॉलेज के प्रोफेसर भी मानते हैं कि ये व्हीलचेयर दिव्यांगों के लिए तोहफे से कम नहीं है। ये बेसिकली माइंड कंट्रोल व्हीलचेयर माइंड के सिग्नल्स को सेंसेस करता है और फिर उस सिग्नल को ट्रांसड्यूस करके, उस फिजिकल सिग्नल्स को ट्रांसड्यूस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसी से ये व्हीलचेयर मूव करता है। इन बच्चों का खुद का आइडिया है और टोटल एफर्ट इन बच्चों का ही है जो भी किया है इन्होंने। व्हीलचेयर बनाने में सफलता हासिल करने के बाद अब ये स्टूडेंट अपने आविष्कार को पेटेंट कराने में जुट गए हैं और इसके बाद ऐसी ही कार बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आनंदपाल के गुर्गों की डीडवाना और परवत्सर के कोर्ट में हुई पेशी के दौरान रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आनंदपाल की फरारी मामले में और जीवन गोदरा हत्याकांड में हुई थी पेशी। आज डीडवाना और परवत्सर में अलग अलग मामलों में आनंदपाल के गुर्गों की पेशी हुई। एक तरफ जहां जीवन गोदरा हत्याकांड के आरोपियों आनंदपाल के भाई मंजीत सिंह, संजय पांडे, दातार सिंह, केसर सिंह और परवेश बालिया को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर से डीडवाना लाया गया, जहां 5ों को ADJ कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ आनंदपाल फरारी मामले में जयपुर से गिरफ्तार सुरेश पाटीदार को SOG ने परवत्सर SEJM कोर्ट में पेश किया। पाटीदार लंबे समय से SOG की गिरफ्त में था, जिसे आज कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। पाटीदार पर आनंदपाल की फरारी में शामिल होने, उसे हथियार सप्लाई करने और फरारी के दौरान उसे शरण देने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। पाटीदार से पूछताछ के बाद SOG को कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके बाद अब पुलिस महकमा और सुरक्षा एजेंसियां आनंदपाल पर नकेल कसने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। हालांकि अभी तक पुलिस आनंदपाल को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाई है। गत 3 सितंबर को पेशी के दौरान डीडवाना से अजमेर लौटते वक्त आनंदपाल और उसके 2 साथी फरार हो गए थे और उसके बाद से ही कोर्ट में जब भी आनंदपाल के साथियों की पेशी रहती है तो यहां माकूल सुरक्षा व्यवस्था रहती है। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव घटसी सर ने शराबबंदी के मामले में मिसाल पेश की है। इस गांव में अब न तो कोई शराब बेचने वाला है और न ही कोई शराब पीने वाला। चूरू का घटसी सर गांव अपने आप में खास है। यहां 1 महीने से शराबबंदी लागू है और इस फैसले को खुद गांव वालों ने चौपाल में बैठकर लागू किया है। आलम यह है कि अब ना तो गांव में कोई शराब पीने वाला है और ना ही यहां कोई शराब का ठेका है। गांव के लोगों ने फैसला लिया है कि शराब बेचते पाए जाने पर 1100 रुपये, शराब पिया हुआ मिल जाने पर 500 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा और शराब पीने वाले के बारे में जानकारी देने पर 200 रुपये इनाम रखा गया है। इलाके की महिलाएं इसे लेकर बेहद खुश हैं। पूरा गांव का नहीं है, पूरा गांव का लगभग पूरा गांव का हर आदमी, मतलब हर घरों में पूरा आदमी ने भेड़ा गया
और पूरे गांव ने सिरे हैं और जगह सब ज्यादा सिरे दवा पीने वाला जगह हमारी बात मान रहे हैं। मैं नए तो दारू पिए आज और 15-15, 20-20 साल पीने लाग रहे हैं तो बहाने दवा के मारे कहना छोड़ रहा है आज के दिन। ये इस गांव के लोगों की एकजुटता का ही नतीजा है कि एक वक्त पर इस गांव में 800 लोग शराब पिया करते थे, पर इस वक्त इस गांव में कोई भी शराब को हाथ भी नहीं लगाता है। अजमेर के अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में भले ही आंकड़ा बढ़ गया हो, लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने शुरुआती तौर पर इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि बच्चे कमजोर थे और सेप्टिसीमिया से ग्रसित थे, इसलिए उनकी मौत हुई। सरकार के संसदीय कार्य और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ आमतौर पर संजीदा बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अजमेर के जेएलएन अस्पताल में हुई नवजात बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सा मंत्री इसे सामान्य मान रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रदेश में हर साल शिशु मृत्यु दर 96,000 हो, वहां इन मौतों को असामान्य नहीं माना जा सकता। 6 के बाद मौतों का आंकड़ा और बढ़ गया है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि अजमेर जेएलएन अस्पताल में इन बच्चों को पहले ही गंभीर हालात में रेफर किया गया था। वे कहते हैं कि बच्चे अंडरवेट थे और सेप्टिसीमिया से प्रभावित भी थे। इससे पहले बीजेपी दफ्तर में सुनवाई करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से आए कार्यकर्ताओं और आम आदमियों के अभियोग सुने। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ से कई प्रतिनिधिमंडल भी मिले। टीएसपी क्षेत्र से आए प्रतिनिधियों ने आरक्षण की 100% व्यवस्था को यथावत रखने की मांग की, जिस पर राजेंद्र राठौड़ ने उसका परीक्षण कराने की बात कही। तो अनुदानित शिक्षक कर्मियों ने अपने वेतन भत्तों और पहले से अनुदानित संस्थाओं के पास बकाया चल रहा पैसा दिलाने की मांग की। हम लोगों को पुरानी पेंशन योजनाओं में शामिल किया जाए। आज एक सामाजिक शिक्षक की स्थिति ये हो गई है कि सेवानिवृत्ति के बाद वो शून्य पर आ गया, किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं, संस्थाओं पर पैसा अटका हुआ है, जीविकोपार्जन के लिए मुश्किल हो गई है। बच्चों की मौत के मामले में जहां सीनियर डॉक्टर्स के रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि रात के समय सीनियर डॉक्टर्स ऑन कॉल रहते हैं, लेकिन इस मामले में डॉक्टर्स के पहुंचने में देरी क्यों हुई, वे इसकी जांच कराएंगे। प्रतापगढ़ में वन विभाग की कार्रवाई, वन इलाके में कुआं खोदते हुए एलएनडी मशीन और एक ट्रक को किया जब्त, वन विभाग की टीम को देख फरार हुए आरोपी। प्रतापगढ़ के वन विभाग ने वन इलाके में कुएं की खुदाई करते एलएनटी मशीन और एक ट्रक को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी छोटूलाल मीणा ने बताया कि मेहंदीखेड़ा वन क्षेत्र में कुआं खुदाई की सूचना मिली थी, ऐसे में वे कार्रवाई के लिए पहुंचे। वन विभाग की टीम को आता देख आरोपी फरार हो गए। विभाग ने कार्रवाई करते हुए एलएनटी मशीन और ट्रक को जब्त कर लिया। दरअसल वन अधिकार कानून के तहत जंगल में लोग जमीन अधिग्रहित करते जा रहे हैं और ऐसे लोग जमीन अधिग्रहित करने के बाद अपना कुएं की खुदाई भी शुरू कर देते हैं। वनपाल मेहंदीखेड़ा ने सूचना दी कि सब यहाँ पे वन भूमि में एलएनटी चलने की सूचना आई है, उसके तहत मैं स्टाफ लेकर के और वन नाका मेहंदीखेड़ा पहुँचा। वहाँ से गांव वालों के साथ हम जंगल में गए। देवाग माता के नीचे की तरफ एक एलएनटी रात्रि को कुआं खोदती हुई हमने जब्त की। वन अधिकार कानून प्रतापगढ़ के जंगलों के लिए वैसे ही काफी नुकसानदेह साबित हुआ है। इस कानून के आने के बाद कई लोगों ने अवैध तरीके से जंगल में जमीन हथिया ली है और लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं।